हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन लेकर लगातार आपके पास में आते रहते हैं। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस पर कमेंट करते हैं और आपके कमेंट के आधार पर हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम। माय फ्रेंड्स, इस बोर्ड के वीडियोस हम पहले भी बनाकर लेकर आपके पास में आते रहे हैं। एक ब्रीफ इस बोर्ड के बारे में हम आपको दे देते हैं। 2020 में ये बोर्ड ओपन हुआ था। किसी भी बोर्ड को मान्यता लेने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट के गजट में पास होना जरूरी होता है। तो ये 2020 में सिक्किम गवर्नमेंट के गजट में पास हुआ। इसके बाद में इसको AIU का अप्रूवल आया। NIOS ने इसको अपने रेकॉग्नाइज्ड बोर्ड की लिस्ट में रखा। इग्नू ने भी इसको अपने इक्विवेलेंट बोर्ड्स की लिस्ट में रखा। यानी कि इग्नू का बोलना था कि अगर कोई स्टूडेंट इस बोर्ड से अपनी पढ़ाई करने के बाद में जाता है तो इग्नू उसको एडमिशन दे देगी। AIU का अप्रूवल भी इस बोर्ड को मिला। लेकिन इस बोर्ड से पास आउट होने के बाद में बहुत स्टूडेंट्स के हमें लगातार कमेंट आए कि सर, हमने पासपोर्ट विभाग में अप्लाई किया हुआ है लेकिन पासपोर्ट विभाग हमारे बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमने 10th इस बोर्ड से किया है लेकिन कोई भी और रेकॉग्नाइज्ड बोर्ड हमें एडमिशन नहीं दे रहा है। इस बोर्ड से पास आउट होने के बाद में स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स आई है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, जब कोई भी एक नया बोर्ड ओपन होता है तो ओपन होने के बाद में सिस्टम्स में अपडेट होने में उसको टाइम लगता है। तो आइए चेक करते हैं कि इस बोर्ड के अप्रूवल्स में और कौन सा एक नया अप्रूवल ऐड हुआ है। पूरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। देखिए, BOSSE.AC.IN ये जो बोर्ड है इसको कोबसे की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। जब आप इस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको अप्रूवल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, जो ये रेकॉग्नाइजेशन एंड अप्रूवल्स का ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्लिक करने के बाद में देखिए, सबसे ऊपर BOSSE हैज एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ नंबर 14 ऑफ 2020 बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। तो ये अप्रूवल जो ये गजट में पास हुआ था, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। ये आपके सामने आप देख सकते हो, ये हमने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। देन फिर इस बोर्ड को AIU ने अप्रूवल दिया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इसको बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी AIU अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो इस बोर्ड को एडमिशन देने से मना नहीं करेंगी, ये AIU का अप्रूवल बोलता है। देन फिर इसके बाद में हम चेक करते हैं, देखिए PCI का अप्रूवल है। इसके साथ में NIOS ने भी इसको अपने रेकॉग्नाइज बोर्ड की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। NIOS के 2021 के प्रोस्पेक्टस में भी आप चेक कर सकते हैं। जो नया अप्रूवल इन्होंने ऐड किया है वो है कोबसे का अप्रूवल। कोबसे का अप्रूवल इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, जिसको आप इस लेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। कोबसे.इन जो वेबसाइट है, इस पर जाकर आप इनका डायरेक्ट अप्रूवल भी चेक कर सकते हैं। ये इन्होंने अपने लेटर में डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मेंबरशिप ऑफ कोबसे काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। I am happy to inform you that BOSSE Board of Open Schooling and Skill Education Sikkim has been granted membership of COBSE wide letter number COBSE/C386/2023 dated on 5th January 2023. The name of BOSSE appears at serial number 48 in the membership list of COBSE available on its website www.cobse.in. इस वेबसाइट पर जाकर आप इसके अप्रूवल को चेक कर सकते हो। लेकिन एक सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन वाली बात रहती है वो है, हम आपको बता देते हैं, COBSE। जब आप कोबसे लिखते हैं तो कोबसे.org, कोबसे.net/in, ये देखिए कई सारे जो है कोबसे.in, देखिए ये कई सारी वेबसाइट्स की आ जाती है। लेकिन जो है, जो ऑफिशियल वेबसाइट ये बोर्ड बता रहा है वो बता रहा है COBSE.IN। फ्रेंड्स, अगर ये वेबसाइट रियल है और इनके लेटर्स बिल्कुल पक्के हैं
तो समझ लीजिए कि ये बोर्ड वैलिड हो गया है हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। कोई इसको कहां पर स्वीकार कर रहा है, बोर्ड नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम कोई पर्टिकुलर कमेंट नहीं कर सकते। बट टिल नाउ जो इसके अप्रूवल्स इसकी वेबसाइट पर शो कर रहे हैं वो ये हैं कि ये बोर्ड वैलिड हो गया है किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे ओपिनियन में, बशर्ते वो पर्टिकुलर जॉब डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज को एक्सेप्ट करती हो। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का अपडेट पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस लगातार हम लेकर आपके पास में आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।